नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, काउंटडाउन एजुकेशन में आप सर्व विद्यार्थी मित्रों फरी हार्दिक स्वागत करू छू। फेब्रुआरी 2021 में एक्वास में लेवायेली एकम कसोटी 7 नो संपूर्ण सोल्यूशन अहीं आपणे मूकेलू छे। जो तमे चेनल में नवा होय तो सौ प्रथम अमारी चेनल ने सब्सक्राइब करी बेल आइकन पर क्लिक करी दियो, जेथी करी नवा विडियो अने सोल्यूशन मुकाय तो तरत ज तमने नोटिफिकेशन मळी जाय के नवा विडियो अने सोल्यूशन अपलोड थई चूक्या छे अने सौ प्रथम तमे एनो लाभ लई शको। चलो मित्रों शुरुआत करिए। धोरण 8 हिंदी जे 25 गुण नु पेपर हतु। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के आधार पर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 5 गुण नो जे प्रश्न तो अहीं आपणे 5 जे शब्द छे शब्द ना आधार आपणे वाक्य बनावाना छे। तो 1, अधीक्षक शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे। त्यार पछी बीजू आप्युं छे प्रभारी, उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। त्यार पछी त्रीजू आपेलू छे अपने आयकर, आयकर छिपाना अपराध है। त्यार पछी आपेलू छे प्रशासन, पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता न दिखाई। त्यार पछी आपेलू छे सचिव, मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। बराबर, तो आ थई गया 5 शब्दों पर थी 5 वाक्यों। તમે કોઈ પ્રશ્નમાં અટવાઈ ગયેલા હોય અને કોઈ પ્રશ્ન સોલ્વ ન થઈ રહ્યો હોય તો તમારે તે પ્રશ્નનો ફોટો પાડવાનો છે અને પ્રશ્નને ક્રોપ કરવાનો છે, તો 5 સેકન્ડની અંદર તમને તમારા પ્રશ્નનું વિડિયો સોલ્યુશન મળી જશે। પછી ભલે તમારો પ્રશ્ન હોમવર્કનો હોય, સીબીએસઈ બોર્ડનો હોય કે પછી યુપી બિહાર મહારાષ્ટ્ર રાજસ્થાન કે પછી અન્ય કોઈ બોર્ડનો હોય, આ ઉપરાંત તમારો પ્રશ્ન ધોરણ 6-12 નો હોય, આઈઆઈટી જેડબલ મેન્સ કે એડવાન્સ નો હોય કે નીટ નો હોય, આ ઉપરાંત તમારો પ્રશ્ન ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રી મેથ્સ કે બાયોલોજી નો હોય, તો તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન ડાઉટનેટ પર કરી શકો છો। આ ઉપરાંત ડાઉટનેટ પર ચાલી રહ્યા છે ધોરણ 6-12 સુધીના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઇંગ્લિશ અને હિન્દી મીડિયમમાં લાઈવ ક્લાસ, જેથી તમે સંપૂર્ણ સિલેબસ ભણી શકો છો ડાઉટનેટ પર। 3 કરોડ થી વધારે સ્ટુડન્ટ ડાઉટનેટ પર ભણી રહ્યા છે, તો તમે પણ આજે જ ડાઉનલોડ કરો ડાઉટનેટ એપ। ત્યાર પછી આપણને મિત્રો બીજો પ્રશ્ન આપેલો છે, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। बराबर, तो अहीं पहले आपणे गुजराती में जे फकरो आपेलो छे ए आपणे जोई लईए। हिरण नदी ने पश्चिम बाजुए सूरज दादा विदाय लई रह्या छे। संध्या टाणे पंखीओना टोळा पोताना माळा भणी उड़ी रह्या छे। भेंसोनुं खाडुं अने गायोना धण पोताना मालिकना घर भणी वळी रह्या छे। त्यारे वर्षनी शरूआत उमर भर वर्षनी शरूआत थई। સૌ અસહ્ય ગરમીથી પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા। માત્ર માનવ જ નહીં, પશુ પક્ષી અને જીવજંતુ પણ સાતા અનુભવવા લાગ્યા, જેને આખા ફકરાને આપણે મિત્રો હિન્દીની અંદર ટ્રાન્સલેટ કરવાનો છે। તો જોઈએ, તો જવાબ લખીશું, હિરણ નદી કી પશ્ચિમી તરફ સૂરજ દાદા વિદા લે રહે હે, સંધ્યા કે સમય પક્ષીઓ કી ટોલિયા અપને ઘોસલો કી ઓર ઉડ રહી હે, ભેંસો કા ઝુંડ ઓર ગાયો કા સમૂહ અપને માલિક કે ઘર કી તરફ લોટ રહા થા, उस समय रिमझिम वर्षा हुई, लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे, केवल मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। जो मित्रों वीडियो पसंद आवतो होय तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवानो भूलता नहीं अने वधुमां वधु तमारा मित्र सर्कल ने आ वीडियो नी लिंक ने फॉरवर्ड करो। प्रश्न नंबर 3, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। एमा पहेलामां सूचना आपेली छे, शब्दकोश क्रम के मुताबिक प्रथम स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए। बराबर, जहां आपने आपेलू छे अभ्यास, अभिनंदन, महकना और शायर, जेमाथी आपने शू कीधु छे प्रथम स्थान ने आने वाला शब्द तो शू छे, तो के अभिनंदन। त्यार पछी 2, शब्दकोश क्रम के मुताबिक सही विकल्प चुनिए। 1 માર્ક ની અંદર પૂછેલું છે, એમાં A મહકના વિનય શાયર, B સંગ્રામ હમદર્દ સંધ્યા, સી આંગણ ઇન્સાન ઉદાસ, અને ડી બંદી મુસ્કાન મંજિલ, જેની અંદરથી જવાબ આવશે મિત્રો આંગણ ઇન્સાન ઉદાસ। 3 નંબર, શબ્દક્રોશ કમ કે મુતાબિક તીસરે સ્થાન મે આને વાલા શબ્દ ઢૂંઢીએ। 1 માર્કમાં ઉપર ઘાટી, ગિરજાધર અને બંદી, જેની અંદર જવાબ આવશે મિત્રો ઘાટી। ક્લિયર। 4. શબ્દકોશ ક્રમ મે લિખીએ, 2 માર્કનું છે, વિનય સંધ્યા પ્રગતિ મહકના ઓર ચિરાગ, શબ્દકોશ ક્રમમાં લખવાના છે તો સૌપ્રથમ આવશે ચિરાગ, ત્યાર પછી પ્રગતિ, ત્યાર પછી મહકના, વિજય અને લાસ્ટમાં આવશે સંધ્યા। ક્લિયર। પ્રશ્ન નંબર 4,
जो मित्रों वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवानू भूलता नहीं। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पांच गुणनो छे एम आपणे पहेला सौ प्रथम परिच्छेद ने शांति थी विचारी ने आपणे वाँची लेवानो छे। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहां तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। मथी सवाल पूछेलो छे, खड़क सिंह कौन था? तो जवाब आवशे मित्रों, खड़क सिंह अपने इलाके का कुख्यात डाकू था। बीजो, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आए? खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आए। त्रण, बाबा भारती को रात में नींद क्यों नहीं आती थी? तो बाबा भारती को रात में नींद नहीं आती थी क्योंकि उन्हें खड़क सिंह द्वारा उनके घोड़ों का चुरा ले जाने का डर था। चार, सावधान शब्द का विलोम शब्द परिच्छेद में से ढूंढ कर लीजिए। तो सावधान हतो तो आपणे परिच्छेद में जोयु के बाबा केवा थई जाता था असावधान, तो अहीं आवशे असावधान। अने पांचमो प्रश्न पूछेलो छे, परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक लिखिए। तो जवाब आवशे आखो आपणे फकरो वाँचेलो छे, डाकू खड़क सिंह। त्यार पछी मित्रों लास्ट पांचमो प्रश्न आपेलो छे, निम्नलिखित विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए जेमना पण पांच गुण छे। अने अहींया आपणे पूछेलो छे, मेरा प्रिय नेता, भारत नेताओं की भूमि है, गोखले, तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि अनेक नेताओं के नाम भारत के इतिहास में अमर हो गए हैं। यदि पे सभी नेताओं के प्रति मेरे मन में आदर है, पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मेरे सबसे अधिक आदरणीय और प्रिय नेता है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नगर में सन 1869 के 2 अक्टूबर को हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। स्वदेश में पढ़ाई पूरी करने के बाद वे विदेश गए और बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। इसके बाद वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहां भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने अहिंसक सत्याग्रह किया और उसमें सफलता प्राप्त की। इसके बाद स्वदेश आकर उन्होंने भारत की आजादी के लिए अहिंसात्मक आंदोलन चलाए। उनके भगीरथ प्रयत्नों से भारत की जनता जागरूक हुई। उनकी पुकार जनता की पुकार बनी। उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाकर चैन की सांस ली। सचमुच गांधी जी एक आदर्श लोक नेता थे। गांधी जी ने नए समाज की नींव डाली। उन्होंने तकली और चरखे द्वारा गरीब भारतवासियों की रोजी रोटी की समस्या हल करने की कोशिश की। उन्होंने अछूतों और मजदूरों का उद्धार किया। शराबबंदी, निरक्षरता निवारण, स्त्री शिक्षा, ग्रामोद्वार आदि के लिए उन्होंने जी तोड़ प्रयत्न किए। देशवासियों के कल्याण के लिए वे जीवन भर प्रयत्नशील रहे। तो आ थयो आपणो सरस मजानो निबंध। जो मित्रों वीडियो पसंद आयो होय तो वधारे में वधारे मित्र सर्कल अने फेमिली सर्कल नी अंदर आ वीडियो नी लिंक ने वधुमां वधु शेर करो, जेथी अभ्यास करता बीजा बाळको पण सोल्यूशन करी शके। संपूर्ण वीडियो ध्यानथी जोवा बदल आपनो खूब खूब आभार। थैंक यू।